Hare Rama, Hare Rama. बात को कह रहे हैं
वो फूल बरसा रहे थे। वो कहे कि हे नाथ, आज हम शरणार्थ हुए। नाथ का अर्थ होता है रक्षक, शरणार्थ माने रक्षक के साथ। आज हम शरणार्थ हुए, इतने दिन से हम अनाथ थे। करी विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। सभी देवता भगवान से अपनी बहुत बहुत विपत्ति सुनाए। करी विनती दुख दुसह सुनाए, उनको ये तकलीफ है सरकार, ये दुख है। अपना दुख ही सुनाए। और इसके बाद बुद्ध प्रसन्न होकर के अपने अपने घर चल गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। भगवान चित्रकूट में रहने लगे। उस क्षेत्र के जितने भी मुनि थे, यह सुन करके समाचार आए। आवत देख मुदित रघुनंदन रघु मुनिवृंदा किन् दंडवत रघुकुल चंदा। मुनियों को आते हुए जब भगवान ने देखा, वे उठ गए और सभी मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि लघु बन ही लाए गुरु नहीं, लेकिन कोई भी मुनि ऐसे नहीं थे जमीन पर उनको लेते रहने, बीच में पकड़ लेते थे मुनि लोग और भगवान राम का आलिंगन करते थे। मुनि लघु बन ही लाए गुरु नहीं, सुफल हो नहीं थी आशीष नहीं। और उस समय सभी मुनि भगवान को आशीर्वाद देते थे। देखिए भगवान की लीला, सफलता के लिए आपका वनवास सुखद हो, आपको कोई दुख ना हो, आप चिरंजीवी रहे, सुखी रहे, सुखमयी लोग आशीर्वाद। यही भगवान के लीला की सुंदरता। भगवान तो स्वयं इस सुख के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उनको प्यार तो करें, लेकिन फिर भी मुनियों का भाव आशीर्वाद दे रहे हैं। मुनियों के भाव में और देवताओं के भाव में अंतर है। वो लोग आए तो दुनिया भर के दुख सुना करके चले, करी विनती दुख दूसरा सुनाए। ऐसा ऐसा तकलीफ बताए कि वो सह नहीं पाते थे। अभी भगवान चित्रकूट में आकर के थोड़ा बसे हैं तो उनको आकर के सारा दुख सुनाए। बात है कि देवता लोग भगवान से दुख न सुनाए तो किसको सुनाए। पर ऋषि लोग कोई दुख नहीं सुनाए, लोग आए और भगवान का आशीर्वाद। श्री सौमित राम छवि देख ही साधन सकल सफल कर। सीता और सौमित्र लक्ष्मण जी के साथ भगवान को ऋषि लोग देख करके और अपने सफल देख कर दर्शन करके अपने समस्त साधनों को सार्थक समझे। हमने जो भी तप किया, उपवास किया, व्रत किया, हमारा सब सफल हुआ, भगवान का दर्शन मिला। जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए, मुनिवृंद करहि जोग जप जाग तप निजया श्रमहि सुछम। भगवान ने जथा जोग सबका सम्मान किया और वे ऋषि लोग अपने आश्रम में जाकर के स्वच्छम में, किसी का कोई भय नहीं था, करहीं जोग जप जाग तप, भक्ति जोग में लग गए। विशेष करके महामंत्र का जप करते थे, जाग जप करते थे, तप करते थे स्वच्छंद। अब किसी राक्षस का भय नहीं था। पहले क्या होता था कि जब ऋषि लोग भजन पर बैठते थे तो बड़े खूंखार राक्षस आकर के खा जाते थे, सीधा खा जाते थे, और हार बच जाता था तो हार जमा कर। हो सकता है हड्डियों से कुछ बनता होगा उनके यहाँ, हड्डी सब जमा कर दे जाते। एक दिन भगवान को किसी ऋषि ने दिखाया
भगवान कहते हैं कैसा पहाड़ है, तो ऋषि कहते हैं कि हे भगवान ये पहाड़ नहीं है, हड्डी का पहाड़ है। राक्षस सब अग्नियों को ऋषियों को खा खा करके मांस और चांद सब खा जाते थे और हड्डी जमा करते थे। कुछ राक्षस इस रूप में भी आते हैं, हमने सुना था कि नोएडा में, दिल्ली के पास नोएडा में कुछ राक्षस नाली में हड्डी डाले थे बच्चों को अपहरण करके और उनका आंख किडनी आदि निकाल करके और हड्डी बच्चा था वो पकड़ा गया था। तो उस युग में उस समय ऋषियों को पकड़ कर सीधे खा जाते थे, उनके आश्रम में जाकर बैठा है सीताराम सीताराम कर रहा है तब तक हवाक से खा जाना, पकड़ लेना दांत से काट काट करके चांद मांस खा लेना हड्डी जमा और एक जगह जमा करते थे कि ऋषि लोग देख करके डर जाए इसको और इसलिए कोई भजन ना करे, भय उत्पन्न करने के लिए हार को जमा करते थे। पर इस समय अब ऋषि लोग स्वच्छंद भजन करने के लिए, किसी राक्षस का भय नहीं था, राक्षसों का वध करने के लिए ही भगवान गए होता। अब देखिए एक दूसरा दल वनवासी दल वन में रहने वाला कुल भील जब इस खबर पाए, मैं ही प्रसंग कहना चाहता हूँ, कुल भील जब सब खबर पाए तो किस तरह से आकर के भगवान से मिल रहे हैं सुनिए। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जन नव निधि घर आई। जब कोल भील ने वनवासी लोगों ने जब सुना कि भगवान यहाँ चित्रकूट में आए हैं, फिर उनके दर्शन के लिए चले और इतने हर्षित हुए जैसे उनके घर में नव निधि आ गई, जैसे अष्ट सिद्धि होती है नव निधि होती है, ऐसे हर्षित हुए कि सारा धन घर में भर गया। ये उनकी चेतना थी, भगवान से इतना प्रेम करते थे। और कंदर मूल फल भर भर दोना, चले रंक जन लूटन सोना। दोना ने प्लास के पत्तर में दोना बनाए, दोना में भर भर करके बेर और कंद मूल फल जो भी वन में होता था मिल करके बिल्कुल ताजा कंद मूल फल भर भर दोना, चले रंक जन लूटन सोना। ध्यान रखिए कि देवताओं ने कुछ भी नहीं दिया भगवान को, मुनि लोग ठीक आशीर्वाद दिए लेकिन कोल भील दोना भर भर करके कर्म मूल लाए। के कितना अंतर है, तुहाना थे दुखाए दुखाए दुखा यही कह करके चले गए देवता। और कोल भील आए तो दे रहे हैं और इतना प्रसन्न है भगवान को देख करके, उनको देने में इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतने खुश हैं जब चले इतने प्रसन्नता से कि लगा कि रंग एकदम दरिद्र लोग सोना लूटने जा रहे हैं। कोई मान लीजिए भंडार हो और कोई राजा फ्री कर दे या सोने का स्टॉक है और गरीबों को छूट है लूटने का, जैसे चले कोई गरीब गरीब लोग सोना लूटने के लिए ऐसे चले रहे, तो सोना कहाँ लूटता है कोई, कभी कभी गरीबों को कुछ देती है सरकार या कोई धनी आदमी ले जाता है तो बहुत भीड़ मचती है। एक बार हमने लखनऊ में सुना था कि कोई व्यक्ति साड़ी बांट रहा था तो इतना धक्का हुआ उसमें 14 स्त्रियों की मृत्यु हो गई भीड़ के कारण, शायद आप लोगों ने सुना होगा इसको। तो
ऐसी भीड़ हुई भगवान को देखने के लिए और उनको देने के लिए, हम चले रम को जन्म लुटन सोना से सोना लुटने के लिए रम गरीब चले हो, कितना उनको खुशी होगी। जिस व्यक्ति को खाने को अन्न नहीं मिलता है, पहनने को वस्त्र नहीं मिलता है, तो उसको रम कहते हैं। ऐसे रम को अवसर मिल जाए सोना लुटने का तो कितनी खुशी के साथ वो लुटेगा, बहुत प्रसन्नता के साथ। कंद मूल फल भर भर दोना चले रंग को जन लुटन सोना, तिनमा जिन देखे दो घाटा अपर तिन्ह पूछ ही मग जाता। कुल भीड़ में जो देख लिए भगवान को और देख करके लौट रहे थे अपने घर, तो रास्ते में जो जो कोई मिला वो पूछ रहा था कैसे नहीं कैसे नहीं, जो कहा कभी वर्णन किया ही नहीं जा सकता, बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है। वो दौड़ता था तिन्हमा जिन देखे दो भ्राता अपर तिन्ह पूछे मर जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाली आई सबन देखे रघुराय, ये पहले से जो राम को देखे थे वे जब दूसरे से बताए कितना नीक लड़का है, निकाल मत सुंदरता है, अरे उसकी सुंदरता बोली सुशीलता इतनी सुंदर है, वो वर्णन करते थे। इस कहत सुनत कहते हुए सुनते हुए भगवान के निकाल निकाल में सुंदरता और अच्छा स्वभाव कहते सुनते आए, सब लोगों ने रघुनाथ को देखा। करहीं जोहारो भेंट धरियागे, भगवान के पास कंद मूल फल आदि भेंट रख रख करके प्रणाम कर रहे थे और उनसे विनय करने लगे। करहीं जोहारो भेंट धरियागे, नहीं यहाँ पर प्रणाम करने की बात नहीं है, वे भावावेश में भगवान को प्रणाम भी नहीं कर रहे थे, रूप को देखने में अवसर थे भेंट रखने में थे, प्रणाम कहने जी है ही नहीं। करही जोहारो भेंट धरियागे, जोहार मतलब भगवान से लेने के लिए, खाइए खाइए ये हम बहुत अच्छा फल लाए हैं। प्रभु ही बिलो कही अति अनुरागे, और भगवान को क्यों देख रहे थे, देखने में व्यस्त थे। चित्र लिखे चित्र लिखे जन जहा, दीवार पर चित्र बना दिया जाए उसमें कोई स्पंदन न हो, हिले डोले इस तरह से वो चित्र दिखते रहो खड़े रहे, खड़े खड़े सब देख रहे थे कितना सुंदर लड़का है, भगवान को देख रहे थे। मुनि वेश में भगवान थे, जटा बढ़ाए थे, बल पर पहने थे, एक तक देख रहे थे, इसे प्रेम कहते हैं। भगवान को देख रहे थे उसके पहले कमल मूल फल रखे। पुलक शरीर नयन जल बाढ़े, देवताओं के लिए मुनियों के लिए पुलक शरीर नहीं है, विचारणीय बात है। मुनि लोग आशीर्वाद दिए पर भगवान के सौंदर्य में उनका चित्त उतना नहीं उलझा जितना उनको चित्र लिखे जन जहत ठाढ़े, पुलक शरीर जल बाढ़े, भगवान को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए, आनंद का आंसू, और शरीर में सिहरन हो गए, पुलक हो गया, रोए खड़े हो गए। राम स्नेह मगन सर्व जाने, कही प्रिय वचन सकल सन माने, तो भगवान ने श्री राम ने देखा कि सभी स्नेह में मग्न है, हमसे इतना प्रेम करते हैं, तो उनको कहे बहुत प्रिय वचन बोले, कहे सबका सम्मान किए और बैठने के लिए कहे, बहुत सम्मान।
प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी वचन विनीत कहन कर जोरी। भगवान से बार बार जोहार करते हैं, विनती करते हैं और इस तरह से हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखि प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर को सलराय। हे नाथ, हम अब सनाथ हो गए आपके चरण कमल को देख करके, हमारा बहुत बड़ा भाग है, हमारा भाग खुल गया। आप जब आए इससे हमारा भाग खुल गया, आपका आगमन ही हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। राहुल कौशल राय, आपका आगमन हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। धन्य है यह भूमि और धन्य है वन, वन का रास्ता, धन है पहाड़, जहाँ जहाँ अपने अपना चरण रखा ये सब धन्य है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। धन्य विहंग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम निहारी। धन्य है भूमि और धन्य है वन का रास्ता, धन्य है पहाड़ कामतगिरी आदि, जहाँ जहाँ हे नाथ आपने अपना पैर रखा। धन्य विहंग मृग, इस वन के पक्षी धन्य है और पशु धन्य है जो वन में विचरण करते हैं, क्योंकि सब लोग आपका दर्शन करके धन्य हो गए। सफल जन्म भय तुम्हें मुनियादी, इन पक्षियों का, पशुओं का, मनुष्यों का, सबका जीवन धन्य हो गया आपका दर्शन करके। आप कहते हैं, हम सब धन्य सहित परिवारा, दिखदर सभरी नयन तुम्हारा। हम पूरे परिवार के साथ धन्य हो गए, हमारा जन्म सफल हो गया आपका दर्शन कर। पूरे परिवार में तो इसका अर्थ है कि परिवार में बच्चे, स्त्रियां और सब लोग देखने आए थे, भगवान को देख करके सबका जन्म सफल हो गया। हम सब धन्य सहित परिवार, वास्तव में वह व्यक्ति धन्य है जिसका पूरा परिवार भगवान से जुड़ा, भगवान की सेवा करता। हम सब धन्य सहित परिवार, और देवता लोग क्या कहे थे, हम मर रहे हैं, हम मर दुख दुख कीजिए, ये दुख है, ये दुख है। यह भक्ति देखी, हम सब धन्य सहित परिवार, दिख दरस भर नयन तुम्हारा, नयन भर करके आपको देखे, किन बास भल ठाट ठाव बिचारी, यहाँ सकल ऋतु ऋतु बहव सुखारी। आप ठीक जगह पर आकर के रहेंगे, हर एक महीने में ऋतु में यह स्थान बहुत अच्छा है। और कह रहे हैं, हम सब भांति करब सेवताई, करी के हरि अहि बाग बराई। हम सब तरह से आपकी रक्षा करेंगे, हम आपको जंगली हाथी से बचाएंगे, सिंह से बचाएंगे, सांप से और बाघ से बचाएंगे। हम सब भांति कर्म से उतारी, हम सब तरह से आपकी सेवा करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे, जंगली हाथी से, सिंह से, सांप से
और बाघ से करी के हरी अहि बाघ बराई। हमारे हाथ में धनुष रहता है, बाघ रहता है, बड़े बड़े हाथियों को, सिंह को, बाघ को या फटकते नहीं देने। हम सब भांति करो सेवकाई, करी के हरी अहि बाघ बराई। और कहते हैं बन दे हर गिरी कंद रखोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। इस वन में वन बेहर, बेहर का अर्थ सब लोग जानते हैं। वन में वन बेहर पर्वत कंदरा खो, सब हमारे प्रभु पग पग जो है। हम लोग एक एक इंच जानते हैं, एक पग जानते हैं कहाँ क्या है, क्या है, कैसा रहता हूँ, हम सब जानते हैं। जहाँ तहाँ तुम ही अहेर खिलाऊब, सर निर्जर जल ठाण दिखाऊ। हम आपसे अहेर करवाएंगे। अहेर का अर्थ होता है हिंसक जीवों को मारना, खेलना, धर्म मार लेकर। तो हम आपसे अहेर करवाएंगे और आपको नदी दिखाएंगे, झरना दिखाएंगे, जल कहाँ अच्छा है, मीठा है, सब उसको दिखाएंगे। सर निर्झर सरोवर, निर्झर झरना और जल का स्थान दिखा, आपको दिखाएंगे। अब नया आए हैं तो पता नहीं होगा कहाँ किधर बाघ रहता है, भयंकर अजगर रहता है, वो सब पता है। कहाँ सुंदर स्थान है, जल का स्थान। और हम पूरा परिवार के लोग आपके सेवक हैं, आप हमको कोई भी आदेश देने में संकोच मत कीजिए। हम सेवक परिवार समेत, नाथ कुछ समेता। आप हमें आज्ञा देने में संकोच मत कीजिएगा, हम पूरे परिवार के लोग आपके सेवक। किसी किसी को ये भी पता था, पूछ करके लगा लिए थे कि ये इनकी सौतेली माँ ने निकाल दिया है, इनको घर से इनको निकाल दिया है। ये कोई भी कहते कोई बात नहीं, आप अपने घर में आए, आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हम सेवक हैं, हम सेवक परिवार समेत नाथ हमें सकुचल आदेश देता है। हे नाथ, हमें कोई भी आदेश देने में हिचक मत कीजिए। वेद वचन सुनि मुनि अगमते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनता जिन पित बालक बैन। जो भगवान वेद वाणी से भी परे हैं, वेद का वाक्य जिनका निरूपण नहीं कर पाता है और मुनियों के मन में भी नहीं आ पाते हैं, ऐसे करुणा निधान, करुणा के पायन कृपा निधि भगवान उन किरातों के वचन को ऐसे प्रेम से सुन रहे हैं और स्वीकार कर रहे। वो कहते हैं हम आपकी रक्षा करेंगे, सब देखें। हाँ ठीक ठीक, हम तो अनजान हैं, आप ही हमारे रक्षा करें, ऐसे भगवान कहते हैं। तो जैसे पिता अपनी दोतली बोली में बोलने वाले बच्चे की बात सुनता है, वैसे भगवान प्रभु करुणा किरातन के सुनता जिन पितु बालक बैन। यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जो जानने वाले हैं सिद्धांत बहुत जानते हैं, जान लीजिए कि भगवान राम को केवल प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा।
राम सकल पंचर पर तलतोष है, करीम दुर्वचन प्रेम परितोष। इसमें श्री राम बहुत सुंदर प्रिय वचन बोल करके वनचरों को, वन में रहने वाले सभी को बहुत संतुष्ट किए और कहीं भी दुर्वचन प्रेम परितोष, उनके प्रेम को और पोष है। गर्वे चाहते थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हमें आज्ञा दीजिएगा, तो भगवान भी बोलते थे कि हाँ हमारा यहाँ कौन है, आप ही हमारे परिवार के हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस तरह के प्रेम को और बढ़ा रहे थे, पोष रहे थे। हमारे तो माई बाप आप नहीं है, हमारे यहाँ कोई नहीं है, माई बाप तो घर से निकाल नहीं दिए। तो भगवान नहीं कहे ऐसा, लेकिन हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे सब कुछ आप हैं, मैं आपके शरण में हूँ, ठीक है, हमारे रक्षा करते रहिए। अब विचार कीजिए मुनि पर और देवताओं पर, हिरात लोग क्या बोल रहे थे भगवान से, अनिल लोग क्या बोल रहे थे। तो मुनियों का वचन तो ठीक है, लेकिन देवताओं का कर भी अति दुख दूसरा सुना है, सुना करके फिर सब अपने सदन सिधाए। भगवान को दूसरा दुख सुना दिए और भगवान को कुछ भेंट नहीं देना, कुछ नहीं करना और अपने अपने घर चले, जबकि किरातों के पास कुछ भी नहीं है, देवताओं के पास तो सारा विश्व है, साम्राज्य है, धन काफी। भगवान को भक्ति प्रिय है, ये जो भागवत सत्ता होने वाला था तो मेरे मन में बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मैं सोचता था कि हमको न कहना पड़े, लेकिन नहीं होता तो अच्छा होता है। कई प्रोग्राम से एक और प्रोग्राम बढ़ा लेना और कैसे व्यवस्था होगी क्या, परंतु यहाँ के भक्तों ने कहा कि नहीं भागवत तो होगा ही, होना चाहिए, तो मैं थोड़ा बहाना करने लगा, मैं अकाल पड़ा है छोड़िए सब। मैंने यही कहा नहीं अकाल पड़ा है, इतना भारत टाइम थी, मैं बहुत बहुत उत्साहित थे, इस तरह से मैंने सेवा किया सबके मतों पे। ऐसा नहीं है कि ये गांव और गांव से बहुत धनी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रकार से कहिए तो ये भी वन में है और किरातों का ही गाँव है, स्टैंडर्ड देखा जाए तो कुल भी ऐसा ही वातावरण है, कोई बहुत धन नहीं है, लेकिन फिर भी इन भक्तों ने इतना मेहनत किया अपने परिवार के साथ, हम सेवक परिवार समेत, परिवार के बच्चे भी लगे रहे, स्त्रियां काम की, सोने का भी अवसर नहीं मिलता है, देखते हैं बर्तन मारते हैं कितने लोग लगे रहते हैं, हम लोग तो सो जाते हैं, रात में पहरा देते हैं यहाँ तक करके, अपनी शक्ति भर अच्छा से अच्छा प्रसाद देने की कोशिश करते हैं। मुझे इसी बात पर एक कथा याद आई, तुम भक्तों ने कितना प्रेम किया है, सेवा किया है, और देवता आ करके और अपनी आफत सुना करके चले गए, अपनी विपत्ति सुना कर चले। भगवान को भक्ति प्रिय है, और जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की इस तरह से सेवा करता है तो भगवान उसे प्रचुर सुविधा भी देते हैं, देते हैं, केवल हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि हम करेंगे तो भगवान सब सुविधा दे देते हैं। किसी तरह से जेकर खर्ची सवा मन के उपजे सवा से ना जाने राम जी भजन न कौन थे, जिसका खर्चा सवा मन का है और उपजा है सवा से, तो भगवान राम कोई ना कोई उपाय कर ही लेते हैं, सबका गुजारा होता है।
आप लोगों ने भगवान की कथा का आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमें प्रसन्नता है कि ठीक हुआ खड़ी है कथा हुई। आए दूर दूर से, पास से, गांव से, भगवान के उत्सव में आना यह भगवान का सम्मान है, आदर है भगवान का, यह भक्ति है। केवल आना, जैसे दूल्हा की बारात जाती है तो जो भी चला जाए कैसे भी तो बाराती कहा जाएगा, है ना? सबको बाराती कहा जाएगा, उस दुनिया का सम्मान है। तो भगवान के उत्सव में, भगवान की कथा में, कीर्तन में आप लोग आए, इसके लिए सबको धन्यवाद है। भगवान सबको सदबुद्धि रखें, इसी तरह से अपने चरणों में मन लगाए रखें। बहुत खुशी हो रही, छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं, आते हैं। मैं जो नहा रहा था वहाँ बाबा के यहाँ, तो छोटे छोटे बच्चे भी नहा